याद रहे छोटी छोटी बातें जिनको याद रखना है. वेन एवर वी टॉक अबाउट द ब्लड एवरी ह्यूमन बींग, मैं ह्यूमन के बारे में बात कर रहा हूं, मैमल के बारे में, मैमल में भी ह्यूमन के बारे में, एवरी ह्यूमन बींग हैव द सेम कंपोजिशन, ऑलमोस्ट सेम कंपोजिशन. तो ब्लड की सेम कंपोजिशन सबके पास है, ऐसा नहीं कि हम सबका ब्लड कंपोजिशन में अलग है. नो, नेवर. एवरी ह्यूमन बींग हैव द सेम कंपोजिशन ऑफ ब्लड दैट दे हैव 55% ऑफ द प्लाज्मा एंड द 45% दे हैव द फॉर्म्ड पार्टिकल या फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स. तो बोलते हैं हम सब लोगों का ऑलमोस्ट सेम कंपोजिशन है, बट सेम कंपोजिशन होने के बावजूद, इवन दो वी हैव द सेम कंपोजिशन, बट वी हैव सम बायोकेमिकल डिससिमिलरिटीज. हम सब के पास कुछ बायोकेमिकल डिससिमिलरिटीज होती हैं. Our blood have some biochemical similarities, dissimilarities. हम सब का ब्लड एक ही जैसा होने के बावजूद भी, एक ही जैसा किसमें होने के बावजूद भी, कंपोजिशन, कंपोजिशन में हम एक जैसे हैं, लेकिन बायोकेमिकल डिससिमिलरिटीज हैं हमें, हमारे सब में बायोकेमिकल डिससिमिलरिटीज हैं. और इन बायोकेमिकल डिससिमिलरिटीज को सबसे पहले नोट किया एक साइंटिस्ट ने, नाम है कार्ल लैंडस्टीनर. और इन कार्ल लैंडस्टीनर ने इन बायोकेमिकल डिससिमिलरिटीज का नाम दिया ब्लड ग्रुप्स. और बोला कि जो बायोकेमिकल डिसिमिलरिटीज हैं, दे आर मैनी टाइप्स. फिर से मेरी बात सुनना, दे आर, फिर से बोलो, बट दे हैव मैनी टाइप ऑफ बायोकेमिकल डिसिमिलरिटीज, बट टू ऑफ देम, बहुत सारों में दो, दे आर मेजर डिसिमिलरिटी, दे आर, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज मेजर ब्लड ग्रुप. ब्लड ग्रुप में बहुत सारे ग्रुप हैं, उनमें भी से मेजर ब्लड ग्रुप है. वी हैव मेजर ब्लड ग्रुप्स. और मेजर ब्लड ग्रुप्स को समझाने के लिए वी हैव टू सिस्टम्स, हमारे पास दो सिस्टम है. एक है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, और दूसरे प्रकार का सिस्टम है, इट इज नोन एज आरएच ग्रुपिंग. तो जब भी हम ब्लड ग्रुप की बात करेंगे, ये ब्लड ग्रुप हमारे अंदर, हम दो लोगों के अंदर सिमिलरिटीज ढूंढ के बताता है कि डिससिमिलरिटीज है. और ये डिससिमिलरिटीज बहुत प्रकार की हैं, जिनमें से दो बड़ी नोटिसेबल हैं, बहुत नोटिस की जाती हैं. एक कौन सी, एबीओ, और दूसरी कौन, आरएच. तो इन दोनों ब्लड ग्रुपिंग के बारे में एक साइंटिस्ट ने नाम बताया था, बोलो, एनसीईआरटी में इसका नाम नहीं है तो आप ना भी लिखें तो चलेगा, लेकिन ये दोनों सिस्टम है. बोलो कौन, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एंड आरएच ब्लड ग्रुपिंग. और थोड़ी देर के लिए पेन छोड़ दें, जब आपको आ जाए फिर लिखिएगा. ओके, बोलते हैं जो ब्लड ग्रुप्स हैं, दीज ब्लड ग्रुपिंग्स आर द ब्लड ग्रुप आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स. ब्लड ग्रुप्स जो हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं. They are present upon RBC. ये RBC में present glycoproteins हैं. And these glycoprotein, they act like antigen. मैं जो भी बोल रहा हूं मुझे मालूम है तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा, फिर भी थोड़ी देर सुनते रहो और अपने आप आ जाएगा. बोलते हैं चाहे ABO blood group हो, चाहे RH grouping हो, ये दोनों के दोनों ब्लड ग्रुप एक्चुअली ये क्या है, ग्लाइको. फिर से बोलो, ये एक्चुअली ग्लाइकोप्रोटीन है. कहां पर है, आरबीसी. और ये ग्लाइकोप्रोटीन एक्ट कर रही है एंटीजन की तरह. किसकी तरह है, एंटीजन.
हटा दो हाथ, और बोलते हैं एंटीजन एक स्मॉल फॉर्म है, एक छोटा फॉर्म है। अगर आज के बाद आपको कहीं एंटीजन लिखा हुआ मिल जाए तो बोलना ये फुल फॉर्म नहीं है, स्मॉल फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म होता है, एंटीजन का फुल फॉर्म होता है एंटीबॉडी जनरेटिंग पार्टिकल्स, एंटी, इट इज नोन एज एंटीबॉडी जनरेटिंग पार्टिकल। अभी मैंने केवल दाल चावल का इंतजाम किया, खिचड़ी बनेगी, ठीक। चलो खिचड़ी बनाते हैं, इतनी दूर तक अगर तुम ले गए तो मेरा काम बन जाएगा। चलो ठीक है, क्या हम ब्लड की कंपोजिशन में सिमिलर हैं? Yes, हम सब yes, sir। कितना परसेंट प्लाज्मा फॉर्म? 45, 55 और 45। 55 में ये क्या चीजें हैं? पांच सेल, कितनी? तीन। एक दिन से यही पढ़ रहे हैं, अब इसको छोड़ देते हैं। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी, सिमिलरिटी इन कंपोजिशन होने के बावजूद भी हमारे पास क्या है, सिमिलरिटीज की डिसिमिलरिटी? कैसी? यानी हमारी कुछ बायोकेमिकल केमिस्ट्री की डिसिमिलरिटीज है। बोला गया इन बायोकेमिकल डिसिमिलरिटीज का नाम क्या रखा? ब्लड ग्रुप। किसने? और इन्होंने कहा कि ये सिमिलरिटीज दो प्रकार की मेन है, एक कौन? एबीओ और एक आर। हमें नहीं मालूम सर क्या पढ़ाना चाहते, मुझे भी नहीं मालूम तुम्हें क्या समझ में आ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। हमें इतना मालूम है कि आज के बाद जब भी तुमसे कोई पूछेगा ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, तुम बोलोगे ब्लड ग्रुप होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। फिर से बोलो, ग्लाइकोप्रोटीन। फिर से बोलो, ग्लाइकोप्रोटीन। आज के बाद से यही बोलना, ब्लड ग्रुप क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। कहां पर होते हैं? तो ब्लड ग्रुप्स आर द ग्लाइकोप्रोटीन अपॉन द आरबीसी एंड दे एक्ट लाइक, यानी आरबीसी के पास कुछ प्रेजेंट है, आरबीसी के पास कुछ प्रेजेंट है जो किसका बना है और कैसे एक्ट कर रहा है, एंटीजन। इसका मतलब अगर वो प्रेजेंट होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? एंटीबॉडी। क्या प्रोड्यूस करेगा? क्योंकि एंटीजन का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटीबॉडी जनरेटिंग पार्टिकल। फिर से बोलो। इस छोटी सी इंफॉर्मेशन को लेकर के मैं आगे बढ़ा। चलो हटा दें। चलो भाई अब आपको बताओ, क्या ब्लड ग्रुप ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं? कहां पर होते हैं? आरबीसी पे। और आरबीसी पे अगर ग्लाइकोप्रोटीन है तो ये कैसे बिहेव करते हैं? फुल फॉर्म याद है? इट इज एंटीबॉडी जनरेटिंग पार्टिकल। कैसे बोलो? और एंटीबॉडी जनरेटिंग पार्टिकल जहां भी होंगे क्या प्रोड्यूस करेंगे? एंटीजन। एंटीजन प्रोड्यूस करेंगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सॉरी, एंटीजन जो होंगे क्या प्रोड्यूस करेंगे? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे? अब बताओ कहां पर होंगे? आरबीसी। इस इंफॉर्मेशन के साथ मैं अचानक एक पिछली भूली बिसरी आपको वापस लाना चाहता हूं। आप लोग मेरी मदद करेंगे? करेंगे। आपको आरबीसी का सिंगर निकोलसन मॉडल याद है? बच्चे खड़े हो? यस। जवाब देना अच्छे से, ठीक। आपको मैंने आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाई थी, याद है? आरबीसी के पास था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और तब मैंने पढ़ाया था, ये एनसीईआरटी की लाइन है, कि आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो चीजें होती हैं, एक प्रोटीन और एक कौन? फॉस्फोलिपिड। नहीं, सब बर्बाद किया। एक प्रोटीन और दूसरा फॉस्फोलिपिड, और इनका अरेंजमेंट होता है फ्लूइड मोज़ेक। वेरी गुड। इनका कैसा होता है? फ्लूइड मोज़ेक। फ्लूइड मोज़ेक यानी इसमें एक फ्लूइड होता है और एक मोज़ेक। पहला क्वेश्चन, कौन है फ्लूइड? तो फॉस्फोलिपिड फ्लूइड की तरह काम करता है, यस और नो? और उसमें प्रोटीन मोज़ेक। मोज़ेक मतलब कॉन्टिन्यूअस की पैचवर्क। ये बहुत फेमस मॉडल है, नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल।
गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन. बाकी सब लोग शांत रहेंगे, बाकी सब लोग शांत रहेंगे. बच्चे से क्वेश्चन पूछा, जवाब देगा. बताओ बेटा प्रोटीन कितने परसेंट? 52%. वेरी गुड, शाबाश. फॉस्फोलिपिड 40%, शाबाश, बहुत बढ़िया. बैठो, शाबाश. बताओ अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाऊं, कहां जाऊं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. किसकी? तो आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन कितनी? फॉस्फोलिपिड. जरा दोनों को जोड़ो, 92%. इसका मतलब 8% के बारे में बुक ने नहीं बताया, घोटाला कर दिया. 8% के बारे में बुक ने नहीं बताया. इस 8% में दे हैव द डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट. बोलो क्या? कोलेस्ट्रॉल. बोलो क्या? कोलेस्ट्रॉल. यानी 8% में पूरा कार्बोहाइड्रेट नहीं, कुछ डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट है, साथ में क्या है? कोलेस्ट्रॉल. और इन्हीं कार्बोहाइड्रेट में प्रोटीन के साथ मिलकर के एक स्ट्रक्चर बनाया है, नाम है ग्लाइकोप्रोटीन. फिर से बोलो. तो ये ग्लाइकोप्रोटीन 92% में है कि 8%? 8%. तो अगर आरबीसी के पास प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड के अलावा ग्लाइकोप्रोटीन भी है, ग्लाइको मतलब ग्लूकोस, प्रोटीन मतलब प्रोटीन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर है, तो इसका नाम क्या होगा? ग्लाइकोप्रोटीन. फिर बोलो. ये नॉर्मल प्रोटीन है कि ग्लूकोस का? ग्लूकोस. एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ग्लाइकोप्रोटीन. तो ये ग्लाइकोप्रोटीन होगी कहां? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड दिस ग्लाइकोप्रोटीन विल बिहेव लाइक, इट विल बिहेव लाइक एंटीजन. फिर से बोलो. और ये ग्लाइकोप्रोटीन जहां भी जाएगी क्या प्रोड्यूस करेगी? एंटीबॉडी. फिर से बोलो. क्योंकि एंटीजन का फुल फॉर्म एंटीबॉडी जनरेटिंग पार्टिकल. बस लैंड स्टीनर ने इतना बोला कि ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये दो प्रकार की है. एक है ग्लाइकोप्रोटीन ए, ग्लाइकोप्रोटीन ए, और दूसरी है ग्लाइकोप्रोटीन बी. लैंड स्टीनर ने इतना बोला कि दो प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन है. कौन कौन? ग्लाइकोप्रोटीन ए, ग्लाइकोप्रोटीन बी. कहां है? इतना डरो मत. कहां है? आरबीसी. बहुत सही पढ़ रहे हो, ध्यान सुनो. कितना परसेंट प्रोटीन? कितना प्रोटीन प्रोड्यूस? 40 और 52, 92. कितना घोटाला? और ये डाटा एनसीईआरटी का है, नहीं है सेल में. 8% में घोटाला, उसी 8% का कुछ परसेंट, पूरा भी कुछ क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन. कहां? आरबीसी के अंदर की मेम्ब्रेन में. और मेम्ब्रेन में अगर एक ग्लाइकोप्रोटीन है तो क्या होगा? एंटीजन. इसमें लैंड स्टीनर ने क्या बता दिया कि ये कितने प्रकार का हो? ग्लाइकोप्रोटीन ए, ग्लाइकोप्रोटीन बी. वन इज ग्लाइकोप्रोटीन ए, another one is glycoprotein B. और इसलिए लैंड स्टीनर ने बोला कि हर आरबीसी के पास कितने एंटीजन? फिर से बोलो. एक का नाम है एंटीजन ए. फिर से बोलो. और एक का नाम है एंटीजन बी. फिर से बोलो. और यही एंटीजन ए और एंटीजन ए बी ने मिलकर के चार प्रकार का, कितने प्रकार का? चार प्रकार का ब्लड ग्रुप बनाया. क्या बनाया? ब्लड ग्रुप. और इस ब्लड ग्रुप को बोलते हैं एबीओ सिस्टम. फिर से बोलो. एबीओ सिस्टम या फिर एबीओ ग्रुपिंग. मुझे मालूम है कि मैं बहुत दूर से खींच के लाया हूं तुम्हें, और मैं कॉन्सेप्ट बिल्डअप में के मूड में हूं. अगर अभी भी ना आया हो तो पूछ लेना, अभी भी ना आया हो तो पूछ लेना मुझसे. पुराना टॉपिक उठाते हैं, चलो. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने बताया? किस में बताया था? आरबीसी. जाके बुक में देखना, आरबीसी है. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन कैसी? मोज़ेक. और फ्लूइड कौन? फॉस्फोलिपिड. फॉस्फोलिपिड कितना? 40.
प्रोटीन कितना 52 टोटल 92 8% में कुछ घोटाला है उसी 8% में पूरा की कुछ क्या है ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन कितने प्रकार का दो एक कौन ए एक कौन बी अगर ग्लाइकोप्रोटीन ए है तो एंटीजन ए ग्लाइकोप्रोटीन बी है तो एंटीजन बी और याद रखना एंटीजन ए और एंटीजन बी के लिए भी होंगी एंटीबॉडी क्या होंगी एंटीबॉडी एंड एंटीबॉडी इज ऑलवेज प्रेजेंट इन प्लाज्मा ऑलवेज प्रेजेंट इन प्लाज्मा व्हाई खड़ी हो यस व्हाई एंटीबॉडी इज ऑलवेज प्रेजेंट इन प्लाज्मा नहीं पता बिकॉज प्लाज्मा है थ्री प्रोटीन्स याद है वन इज फाइब्रिनोजेन इम्यूनोग्लोबुलिन एंड एल्बुमिन इनमें से कौन ग्लोबुलिन याद है ग्लोबुलिन का नाम इम्यूनोग्लोबुलिन इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी तो जहां ग्लोबुलिन वहीं एंटीबॉडी ग्लोबुलिन कहां प्लाज्मा और प्लाज्मा क्या बनाएगा एंटीबॉडी तो अगर एंटीजन होगा मजा नहीं आया एंटीजन होगा फिर से बोलो तो आरबीसी जिस प्लाज्मा में होगी वहां पर क्या होगा एंटीबॉडी अगर ये फील नहीं कर पाए तो मैं हार जाऊंगा मैं टॉपिक पढ़ा नहीं पाऊंगा फिर रटाना पड़ेगा मुझे बताओ एंटीजन कहां और आरबीसी कहां पर है ब्लड में ब्लड में ये है सेल ये है प्लाज्मा और प्लाज्मा में क्या है ग्लोबुलिन फिर से बोलो और ग्लोबुलिन का नाम आईजी व्हाट इज आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन इम्यूनोग्लोबुलिन इज एंटीबॉडी तो बताओ हर ब्लड एवरी ब्लड हैव एंटीजन अपॉन एंटीबॉडी अपॉन प्लाज्मा तो यानी मेरा ब्लड क्या रखता है एंटीजन भी एंटीबॉडी भी एंटीजन कहां और एंटीबॉडी कहां इतनी छोटी सी बात पकड़ लोगे तो जिंदगी बढ़िया एमबीबीएस तक सही चलेगी एंटीजन कहां और एंटीबॉडी पक्का और बोलते हैं अगर एंटीजन और एंटीबॉडी मैच कर जाए इज द यूनिवर्सल रूल ये कभी फेल नहीं होगा If antigen and antibody match, अगर antigen और antibody आपस में match कर जाएं, एक जैसे हो जाएं, तो याद रखना antigen और antibody एक दूसरे के साथ precipitate हो जाएंगे clump हो जाएंगे और clump हो गए तो blood हो जाएगा clot, बोलो क्या clot, तो हर बच्चा जानता है कि वो रखता antigen भी है antibody भी है antigen कहाँ रखता है और एंटीबॉडी का इसका मतलब मेरा एंटीजन मेरी एंटीबॉडी से मैच अगर करता होता तो मेरा ब्लड बहता कि क्लॉट हो जाता मेरा क्या आपके साथ भी यही होता है दिस इज द कॉन्सेप्ट सर क्या बोला पता नहीं आपको नहीं समझ में आई विल टेक द पॉज और दोबारा इसको बताओ मुझे बताओ ग्लाइकोप्रोटीन क्या बिहेव करेंगी एंटीजन एंटीजन का फुल फॉर्म एंटीबॉडी जनरेटिंग पार्टिकल अगर एंटीजन है तो एंटीबॉडी होगा नो सर yes, और अगर एंटीजन और एंटीबॉडी एक जैसे एक जैसे तो मैच तो एंटीजन और एंटीबॉडी एक जैसे तो मैच कर जाएंगे अगर मैच कर गए तो क्या हो जाएंगे क्लम प्रेसिपिटेट क्या हो जाएंगे प्रेसिपिटेट और इसका मतलब है आरबीसीज बचेंगे कि रप्चर रप्चर प्रेसिपिटेट हो जाएंगे तो बताओ ब्लड बहेगा कि क्लॉट हो जाएगा और हम सबका ब्लड क्लॉट हो गया है बह रहा है इसका मतलब हमारी आरबीसी की एंटीजन और हमारे प्लाज्मा की एंटीबॉडी मैच नहीं करती नो सर अगर ये दो कॉन्सेप्ट बता दो बाबू हम तो राजा बाबू हो गए बताओ क्या देखो अभी रुक जाओ जब तक मैं बोलूं नहीं फुल स्टॉप तब तक कुछ कहना नहीं क्योंकि ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक में हम लोग फंसे हुए अगर मैच करा दिया तो क्लंपिंग निश्चित है समझ गए बस 5 मिनट रुको मुझे टॉपिक पूरा करने दो और जैसे ही टॉपिक पूरा होगा मैं तुम्हारे हर एक क्वेश्चन को टेक अप करूंगा हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा
तीन बातें अभी अभी पता चली कि एंटीजन सॉरी ब्लड ग्रुप कुछ नहीं होते, क्या होते हैं? एंटीजन। पहला बात, ब्लड ग्रुप इज एंटीजन, ब्लड ग्रुप इज एंटीजन, फिर से ब्लड ग्रुप इज एंटीजन, एंटीजन अपॉन आरबीसी, एंटीजन अपॉन आरबीसी। दूसरा पॉइंट, एंटीजन अपॉन आरबीसी एंड आरबीसी हैव ग्लाइकोप्रोटीन। आरबीसी में तो लिपिड भी है, प्रोटीन भी है, लेकिन वो एंटीजन नहीं है। फिर क्या एंटीजन है? ग्लाइकोप्रोटीन। इसका मतलब हर बंदा की आरबीसी 92% सेम टू सेम। कितना परसेंट डिफरेंट? 8%। और उस 8% में क्या डिफरेंट? ग्लाइकोप्रोटीन। और बेटा लैंड स्टैंडर ने कहा ग्लाइकोप्रोटीन कितनी? दो। एक कौन? ए। एक कौन? बी। यस और नो? यस। और अगर मेरे पास ए एंटीजन है तो ए ग्लाइकोप्रोटीन है तो एंटीजन ए, और बी है तो बी। इस हिसाब से कितने एंटीजन? दो। चार नहीं, दो। कितने? दो। और ग्रुप? चार। चार कैसे ग्रुप बनेंगे? मैं बना दूंगा। एंटीजन कितने? दो। ग्रुप? और एक बात और सिखाई मैंने कि हर एंटीजन की औकात है, क्षमता है कि वो क्या प्रोड्यूस करे? एंटीबॉडी। और अगर एंटीजन और एंटीबॉडी मैच कर गए तो क्या होगा? क्लॉट होगा और ब्लड बहेगा कि बेटा क्लंप हो जाएगा। तो एंटीजन और एंटीबॉडी मैच नहीं। आइए इसी का कॉन्सेप्ट लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते वक्त हम एक आरबीसी बनाते हैं। इस चार आरबीसी बनाते हैं, प्लीज पहले समझिएगा और फिर आगे बढ़िएगा। हर आरबीसी में 92% सेम टू सेम। यस, एक आरबीसी में ग्लाइकोप्रोटीन ए है, ग्लाइकोप्रोटीन ए है। तो हमने कहा इस आरबीसी में एंटीजन ए है। और याद रखना ये रूल है, रूल तीसरा आपको दे रहा हूं, जैसा एंटीजन, बोलो जैसा एंटीजन, वैसा ब्लड ग्रुप। फिर से बोलो, वैसा ब्लड ग्रुप। फिर से बोलो, जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप। तो इसके पास एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। किसी को इसमें दिक्कत हो बता दे। ध्यान सुनो, आरबीसी के पास ग्लाइकोप्रोटीन ए, एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप ए, जैसा वैसा वैसा ब्लड ग्रुप। थैंक यू वेरी मच। नाउ इनके पास मैं पोजीशन बता करके बता रहा हूं, ये पोजीशन ये थी, अब ये पोजीशन। इनके पास ग्लाइकोप्रोटीन बी है, इसलिए इनके पास एंटीजन बी है और इसलिए इनका ब्लड ग्रुप बी है। इनके पास एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन ए भी है, ग्लाइकोप्रोटीन बी भी है। सो दे हैव ग्लाइकोप्रोटीन ए, ऊपर वाली ए थी और नीचे वाली बी। इनके पास ग्लाइकोप्रोटीन बी भी है। सो देयर आर सम ऑर्गेनिज्म जिनकी आरबीसी में ग्लाइकोप्रोटीन ए भी है और बी भी है। इस वजह से इनके पास दोनों एंटीजन है, इनके पास एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, इसलिए इनके ब्लड ग्रुप का नाम, इनके ब्लड ग्रुप का नाम है ए बी। और इनके पास ना ए है ना बी है, मतलब जीरो। क्या जीरो? नहीं सुना मैंने? जीरो इन लैटिन इज नोन एज ओ। ओ माने जीरो, ओ माने जीरो। तो जिनके पास ना ग्लाइकोप्रोटीन ए ना ग्लाइकोप्रोटीन बी, इसके मतलब नो ग्लाइकोप्रोटीन, इनके पास वो ग्लाइकोप्रोटीन नहीं है जो एंटीजन बनाती है, इसलिए नो एंटीजन। और अगर नो एंटीजन तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप जीरो, ब्लड ग्रुप
What is zero? O. And that's why they have the blood group O. चार पॉइंट बाद में, पहले इसकी फीलिंग बहुत बहुत ध्यान से, जैसा ग्लाइको प्रोटीन वैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप, मतलब ग्लाइको प्रोटीन एंटीजन ब्लड ग्रुप ए, ग्लाइको प्रोटीन एंटीजन बी ब्लड ग्रुप बी, ग्लाइको प्रोटीन ए भी ग्लाइकोप्रोटीन बी भी, इसका मतलब एंटीजन ए एंटीजन बी ब्लड ग्रुप ए बी. नाउ देयर इज नो ग्लाइकोप्रोटीन, नो ग्लाइकोप्रोटीन, इसलिए नो एंटीजन, नो इसलिए नो ब्लड ग्रुप, नो की जीरो जीरो, दिस इज नोन एज जीरो ब्लड ग्रुप और जीरो इज ओ ब्लड. अब सुनो ठाकुर साहब ध्यान से, बातें नहीं, जैसा ब्लड ग्रुप है वैसा क्या है एंटीजन, फिर से बोलो, और एंटीजन कहां होता है और एंटीबॉडी कहां, हाँ? तो अगर ये सुनील सर का ब्लड है और सुनील सर का ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप तो सुनील सर के ब्लड ग्रुप की आरबीसी एंटीजन ए, तो बताओ प्लाज्मा एंटीबॉडी ए रखेगा कि नहीं रखेगा, रखेगा, अगर रख लिया तो आफत आ जाएगी, आफत आ जाएगी और वो दोनों क्लंप कर जाएंगे, ये सुनो, इसलिए सर के पास एंटीबॉडी जो होगा वो ए होगा कि बी, बी, और इसीलिए इसे बोलेंगे एंटी बी एंटीबॉडी बी, और बी को स्मॉल रखेंगे ताकि याद रहे मैं क्या पढ़ाना चाहता हूं. तो बताओ अब रूल बनाओ, जिसका जैसा उसका वैसा एंटीजन, उसका अपोजिट एंटीबॉडी, फिर से बोलो, जिसका जैसा वैसा ब्लड ग्रुप अपोजिट एंटीबॉडी. ये रूल क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि अगर मैं ब्लड ग्रुप ए रखता हूं आरबीसी में और एंटीबॉडी भी ए रख लूं, एंटीबॉडी ए का प्लाज्मा, तो आरबीसी का एंटीजन और बेटा प्लाज्मा की एंटीबॉडी क्या करेंगी, क्लंप, और क्लंप कर जाएंगी तो मेरी आरबीसी बचेंगी खराब, खराब. अब मैं तुमसे कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूं, कॉन्सेप्ट, और ये तुम्हें बताना है, बताओ ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी. बहुत बढ़िया बात है यार, बिना बताए आपको आ गया, इससे अच्छा क्या हो सकता है. एंटीबॉडी बताओ, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन बी दोनों हैं, एंटीजन दोनों, ब्लड ग्रुप ए भी, और ब्लड ग्रुप ए भी है, तो ना मैं एंटीबॉडी ए रख सकता हूं क्योंकि ए रखा तो ए एंटीजन, और ना मैं एंटीबॉडी बी रख सकता क्योंकि बी रखा तो बी एंटी क्लॉट कर देगा. देयर इज अ एंटीबॉडी, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, तो बताओ हमारे पास एंटीबॉडी है कि नहीं है, नहीं है, ये रट्टा मारने की चीज है. एंड नाउ इन भाई साहब के पास ना ए एंटीजन ना बी एंटीजन ब्लड ग्रुप ओ, इसलिए ये एंटीबॉडी ए भी रखेंगे और बी भी. बड़े रूल को बनाते हैं, पहला रूल बनाते हैं, और इस रूल से पहला रूल बनाते हैं, जो लोग सीख गए, हाँ भाई शांत, किसके पास, इसके पास, हाँ वेरी, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा तुमने, इतने दिनों में एक क्वेश्चन पूछा, शान, मुझे तुम पे शान से कह सकता हूं कि तुम मेरे स्टूडेंट हो. ये बताओ इनके पास एंटीबॉडी कहां से आई, पूछने के पहले तुम्हें यह पूछना चाहिए कि इनके पास इम्यूनोग्लोबुलिन कहां से है, कहां से आई, ब्लड में, ब्लड कहां से आया, जब से पैदा हुए हो तब से ब्लड लिए घूम रहे हो, तो ये भगवान ने दिया है, और उसके आगे सुनना है तो बता रहे, यही सुनना, यही खड़े रहो. एंटीबॉडी इज अ प्रोडक्ट, बोलो, एंटीबॉडी इज अ प्रोडक्ट, जो बना है सबस्ट्रेट से, किससे,
सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाने के लिए है रिएक्शन, बोलो क्या? रिएक्शन के लिए एंजाइम, फिर से बोलो, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, प्रोटीन प्रोटीन बनाने के लिए एमआरएनए कहां से? डीएनए, डीएनए कहां से? पापा से, मम्मा से, मम्मा पापा ने दिया डीएनए, बोलो जैसा वैसा वैसा वैसी वैसा वैसा, अब तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें ऐसा डीएनए दिया कि ऐसी प्रोटीन बनी, इस प्रोटीन का नाम है ए और बी, इसलिए एंटीबॉडी लिए घूम रहे हो। किसने दिया? केवल मम्मी ने नहीं, क्योंकि डीएनए दोनों का है, ये मम्मी का केवल तब बोलना जब पार्थिनोजेनेसिस भाई, तो हर बंदे के पास इम्यूनोग्लोबुलिंस ऑलरेडी प्रेजेंट है, यस और नो? यस। तो ये बकवास कर दी मैंने, फिर भी बोल दो, जैसा वैसा वैसी वैसा वैसी वैसा, प्रोडक्ट का नाम एंटीबॉडी, प्रोडक्ट का नाम एंटीबॉडी। खैर माहौल खराब मत करो, रूल बनाओ नंबर वन, इस रूल को ऐसे मुट्ठी में बंद करना और कभी मत भूलना, जैसा वैसी अपोजिट एंटीबॉडी। अगर ये बात है तो बताओ ब्लड ग्रुप ए का एंटीजन, ब्लड ग्रुप ए का एंटीजन एंटीबॉडी बी। एक रूल नहीं बनाया जा रहा, जैसा वैसा ब्लड ग्रुप अपोजिट एंटीबॉडी, बस इसको रख लो जेब में, बोलो जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन अपोजिट एंटीबॉडी। कोई इसका रीजन असर सर पूछे तो बोलो पागल हो क्या, एंटीजन एंटीबॉडी मैच कर गए तो तुम को, अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है और मैंने एंटीबॉडी ए ले ली तो बताओ दोनों आपस में क्या कर जाएंगे? मर्ज, और बेकार हो जाएगा ब्लड, हम अपना ब्लड बेकार करेंगे। अगर हम ए हैं तो एंटीबॉडी बी, अगर हम बी हैं तो ए। आप जरा मैं कोई भी क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता हूं, पूछ सकता हूं, बताओ ओ ब्लड ग्रुप एंटीजन, ओ मतलब जीरो, कितना फीलिंग है, जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन अपोजिट एंटीबॉडी, ओ मतलब जीरो, जीरो ब्लड ग्रुप जीरो एंटीजन दोनों एंटीबॉडी, दोनों एंटीबॉडी, ए बी एंटीजन ए एंटीजन बी एंटीबॉडी नहीं, अगर कोई भी गई तो क्लंपिंग हो जाएगी, यस सर। इसका चार्ट बना के रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ब्लड ग्रुप ए एंटीजन ए एंटीबॉडी बी, ब्लड ग्रुप बी एंटीजन बी एंटीबॉडी ए, क्या बात कर रहा, क्या पूछ रहा, खड़े हो तुम हमसे पूछो, हाँ अरे यार दैट इज ब्लड क्लॉटिंग, फिर से बोलो, एंड दिस इज ब्लड क्लंपिंग, इसीलिए यह शब्द यूज किया था, ब्लड क्लंपिंग, ब्लड और ब्लड क्लंपिंग इज ड्यू टू एंटीजन एंड एंटीबॉडी, एंड ब्लड क्लॉटिंग इज ड्यू टू फाइब्रिनोजन, फिर से बोलो, और रुको भाई साहब एक दिन, कल हम तुमको ब्लड क्लॉटिंग पूरी पढ़ाएंगे, हो सकता है आज ही पढ़ा दें, नहीं कहा आज पढ़ाएंगे, तो ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड क्लंपिंग एक ही बात नहीं है, थोड़ा रुको पढ़ाएंगे, हाँ हाँ सौरभ ये तुमसे उम्मीद नहीं है, बाकी सबसे उम्मीद है तुमसे नहीं, आइंदा कभी भी कोई लड़का खड़ा हो एक बार मैं बर्दाश्त कर लेता हूं, इससे बेटा क्वेश्चन पूछने का हतोत्साहित होते, मेरा नुकसान होता है, बच्चों का नुकसान होता है, अगर कोई भी गर्ल्स कभी भी क्वेश्चन पूछे खड़ी होकर के तुमने पीछे से बहस किया देखो उसको उसका डिमोरलाइजेशन होता है कि यहां खड़े होंगे बच्चे होकर देंगे, किसी को भी कोई भी जा रहा जाने दो,
जाने वाले को कोई रोक पाया आज तक? ये ऐसी क्लास है यहां आना मुश्किल से, जाना फ्री है। और कभी भी याद रखना, हमें ऐसा माहौल बनाना है कि हर बच्चा को लगे यार हमारे अगल बगल वाले भाई लोग अच्छे हैं, समझ रहे हो? हाँ, अब बताओ। तो भैया इसीलिए तो इस एंटीजन की औकात नहीं है कि वो मेरे प्लाज्मा से एंटीबॉडी बनवा सके, क्योंकि मेरे प्लाज्मा में इसकी जैसे एंटीजन के लिए एंटीबॉडी नहीं है। अब किसी दूसरे के प्लाज्मा में जा करके ये एंटीबॉडी बनवा सकता है। यानी तुम ब्लड ग्रुप बी की हो, मैं ब्लड ग्रुप ए का हूं, मेरा खून तुम पे चढ़ाया गया तो मेरा एंटीजन कौन गया? ए। तुम्हारे पास कौन सी एंटीबॉडी? बी। बताओ एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अभी मैं उसी पे आ रहा हूं, गिव मी 15 मिनट्स मोर। तुम खुद ही चिल्लाओगे कि सर समझ में आ गया। इस टॉपिक में मैं इतना परेशान होता हूं कि भाई यहां से जाऊंगा बच्चा फिर आएगा, सर ये समझ में नहीं आया। आज मैं रूल बना के जा रहा हूं, और जब तुम बोलोगे नहीं समझ में आया मैं पांचों रूल पूछूंगा, और पूछ अगर किसी रूल में गए तो कंटाप पड़ेगा। पहला रूल, जैसा ब्लड ग्रुप वैसा अपोजिट एंटी। इस रूल में किसी को कोई दिक्कत है? यस, दिक्कत? हाँ, अबे दुनिया में एक प्रकार का एंटीजन नहीं। तुमको मैंने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़ाई है, और गुरु मुझे शर्म आ रही कि मैंने तुम्हें पढ़ाई। पांच प्रकार की एंटीबॉडी है केवल, लाइट चेन और हैवी चेन, और उसके बाद भी उनके दो पार्ट है, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल, और हर वेरिएबल पार्ट एंटीजन के हिसाब से बदलता है। तो एंटीजन बदलेगा तो एंटीबॉडी बदलेगी। तो इसका मतलब अगर ए के लिए एंटीबॉडी नहीं है, इसका मतलब किसी भी एंटीजन के लिए नहीं होगी? होगी। इस एंटीजन के लिए एंटीबॉडी नहीं, तो पल्ले भी नहीं पड़ा मैंने क्या बोला। अगर मैंने बोला वायरस के लिए एंटीबॉडी हो सकती है, बैक्टीरिया के लिए हो सकती है, पैथोजन के लिए हो सकती है, लेकिन ब्लड ग्रुप के लिए एंटीबॉडी नहीं, पल्ले नहीं पड़ा, पल्ले पड़ गया। यानी बैक्टीरिया के लिए एंटीबॉडी है, क्यों नहीं होगा? जो जैसा एंटीजन वैसी एंटीबॉडी। भाई साहब आज तुमको पहली बार समझ में आया कि मैं पढ़ाता क्यों हूं। थोड़ा बाल बाल कटाते रहो। एंटीजन आर फिक्स और वेरिएबल? वेरिएबल। एंड दैट्स व्हाई अगर एंटीजन वेरिएबल है तो एंटीबॉडी को भी वेरिएबल होना पड़ेगा। अरे बड़ा टॉपिक छेड़ दिया तुमने, और बोले वेरिएबल एंटीबॉडी तो पांच है, IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। भाई साहब ये गई एलर्जी में, यस और नो? बाकी बची ये चार बची, इनमें से ज्यादातर समय पर जी लड़ती है। किसे लड़ती है? जी। और एंटीजन है वायरस, तब भी लड़ रही जी और ए और कौन? ए। तो ज्यादातर समय पर वायरस से जी और ए, बैक्टीरिया से जी और ए, पैथोजन से जी और ए। पैथोजन बदलते जाओ, जी और ए बदलती जाए। यानी वायरस के लिए जी अलग, बैक्टीरिया के लिए जी अलग है, जी लेकिन हर बार अलग। इसका मतलब पैथोजन बदलो, जी बदल जाएगी। और जी का क्या पार्ट? कांस्टेंट की वेरिएबल, ये हिस्सा बदलेगा नहीं। कौन सा? ये। इसका मतलब अगर IgG पूछी जाए दुनिया में कितनी प्रकार की, बोलो जितने प्रकार के बैक्टीरिया उतने प्रकार की IgG। इसका मतलब है अगर ग्लाइकोप्रोटीन ए के लिए यहां पर एंटीबॉडी नहीं है, इसका यह कतई मतलब नहीं कि वायरस घुसेगा तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी। बनेगी, वायरस के लिए एंटीबॉडी हो सकती है। तो तुम कैसे कह सकते हो कि सर वहां पर एंटीबॉडी नहीं है तो इन्फेक्शन हो जाएगा? अगर आइटमों का एंटीबॉडी किसके लिए नहीं? कौन सा है? RBC। यानी RBC का अगर एंटीजन ए और बी घुसे
तो उसके पास एंटीबॉडी नहीं, पर वायरस घुसेगा तो, बैक्टीरिया घुसेगा तो, कभी भी नहीं आया। बैठो फिर, और किसी को, और किसी को, खतरनाक चीजें। अभी तो कूड़ा कितना होगा पता नहीं। बोलो रूल नंबर वन, जैसा ब्लड ग्रुप अपोजिट एंटीबॉडी। पक्का ना? ब्लड ट्रांसफ्यूजन बात तो, व्हाट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसको समझो। एक बंदा है, रोड साइड एक्सीडेंट हुआ और वो अस्पताल में भर्ती हो गया। अब इसको तुम्हें मानना पड़ेगा कि ये पेशेंट है। हे राजन, कोई बात नहीं राजन, राजन एक पेशेंट। अब राजन के पास खून बहुत गिर गया है, बह गया है, हैमरेज हो गया। क्या हो गया? हैमरेज। बेटा शांत रहो यार, मजाक मत करो, वरना जाकर के टेबल वट्टा मार लो। क्यों मैं पढ़ाता हूं, कभी कभी मैं सोच लेता हूं कि क्यों मैं इतना मर रहा हूं। एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तुम ही दुआ दोगे मुझे। तो पेशेंट है राजन, या कोई भी ए पेशेंट है, और इस पेशेंट के पास खून की कमी हो गई क्योंकि ब्लड लॉस हो गया। अब हमारे पास जो ब्लड लॉस हो गया है, तो बेटा अब हम इसको ब्लड चढ़ाएंगे, और ब्लड तो बेटा फैक्ट्री में बनता नहीं है, बनता है? तो हमें एक दूसरा व्यक्ति चाहिए, पर्सन चाहिए। उस पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा, ब्लड होगा, और वो ब्लड हम इस पेशेंट को चढ़ाएंगे। जो पर्सन ब्लड दे रहा है उसका नाम डोनर। बोलो क्या नाम? डोनर। डोनर। और जो ब्लड चढ़ाया जा रहा पेशेंट को, दैट इज रेसिपिएंट। फिर से बोलो, रेसिपिएंट। शाम ध्यान से सुनना, वरना गए। ये बोलो, ये जिसका चढ़ाया गया, जिसको चढ़ाया गया रेसिपिएंट। ऐसे मेरे को कहानी सुनाने का मन है। एक बंदा किसी घर में रह रहा, बाहर से एक बंदा आया, नॉक किया, नॉक नॉक, ओके, एकदम सांस सुनना। घर में एक डॉगी है, डॉग। अगर ये दुश्मन है तो ये डॉग उस दुश्मन को मार देगा, ओके? तो याद रखना, जो आ रहा है और जिसके यहां आया है उस पर क्या क्या मायने रखता है। यानी जो आ रहा है वो दुश्मन नहीं होना चाहिए। यस और नो? यस सर। क्योंकि अगर वो दुश्मन हुआ तो उस पर कौन काट लेगा? कुत्ता। कुत्ता इज लाइक एंटीबॉडी। बोल गया? एंटीबॉडी। एंड करेक्टर इज लाइक एंटीजन। बोल बोलो कौन? एंटीजन। फिर से बोलो। और एंटीजन और एंटीबॉडी मैच नहीं करने चाहिए। तो याद रखना है रूल नंबर टू, भले ही कुछ भी हो जाए, आज यही याद करेंगे, जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, क्या डोनर का देखेंगे एंटीजन। फिर से बोलो, मर गए। डोनर का, डोनर का, और रेसिपिएंट का एंटीबॉडी। तीन रूल हो गए, जो जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन, अपोजिट एंटीबॉडी। नंबर वन। नंबर टू, डोनर का एंटीजन, रेसिपिएंट की एंटीबॉडी, मैच नहीं करने चाहिए, मैच नहीं करने चाहिए। ऐसे मजाक कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, गलती हो जाए माफ कर देना। इस बंदे ने इस घर में एक फ्लैट के अंदर दो कुत्ते पाल रखे, काला ब्लैक और एक कुत्ता व्हाइट। अब काला कुत्ता काले लोगों को काट लेता है और गोरा कुत्ता गोरे लोगों को काटता है। अब अगर आने वाले सुनील सर, कौन काटेगा? काला। आने वाले राजन, कौन काटेगा? गोरा। अरे रुको यार, रुको, मैं कह रहा हूं टाइम वेस्ट हो जाएगा।
मैं ट्राई कर रहा हूं कि तुम्हें आ जाए, थोड़ी देर रुक जाओ फिर मैं समझा दूं, 5 मिनट में ट्राई कर रहा हूं, नहीं तो नहीं आएगा। जैसा एंटीजन वैसी एंटीबॉडी हुई तो क्लंपिंग हो जाएगी, जैसा एंटीजन हुआ वैसी एंटीबॉडी हुई तो क्लंपिंग हो जाएगी। पर एंटीजन किसका देखना, डोनर का। धोखे से एंटीबॉडी देख ली मर गए तो क्वेश्चन सॉल्व कभी नहीं होगा, कभी नहीं कर पाओगे। मैं बता रहा हूं, रूल बनाओ, किसका एंटीजन, किसकी एंटीबॉडी मैच नहीं करनी चाहिए। 4 पॉइंट, चलो 4 पॉइंट बोलो। पहला पॉइंट सबसे बड़ा है, जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन, अपोजिट एंटीबॉडी। थैंक यू वेरी मच। इसमें किसी को डाउट, डोनर का देखोगे एंटीबॉडी उसके पास भी होगी लेकिन देखोगे नहीं, डोनर का रेसिपिएंट की एंटीबॉडी मैच नहीं मैच। अब मैं उंगली ढूंढ रहा हूं, ये जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन, डोनर का रेसिपिएंट का मैच नहीं करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ना अब आपको आ गया जिंदगी भर के लिए, 1, 2, 3 और 4 पेशेंट, दे आर द पेशेंट। मैं 4 पेशेंट के साथ आपके साथ ये काम कर रहा हूं। 1 पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए, दूसरे का ब्लड ग्रुप ए बी, तीसरे का ए बी, चौथे का ओ। अब जितना मैं पूछूं जवाब देना, यस जल्दी बताइए, ये डोनर की रेसिपिएंट, रेसिपिएंट क्या नहीं देखना है, इसका क्या नहीं देखना है, एंटीजन क्या देखनी है, एंटीबॉडी बताओ कौन सी एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बी। ऑल्दो तुम्हें एंटीजन दिखाई पड़ रहा है लेकिन देखना क्या है, एंटीबॉडी। पक्का ना, बी एंटीबॉडी ए, यस एंटीबॉडी है कि नहीं है, नहीं है एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी, दोनों एंटीबॉडी है। यस 4 पेशेंट पढ़ाए, 1 का ब्लड ग्रुप, एक का ए बी, एक का ओ। रूल नंबर 1, जैसा एंटीजन जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन, अपोजिट एंटीबॉडी। 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 इसमें किसी को डाउट, अब 4 लोग आए, पहला बंदा आया बोला भाई हमसे खून ले लो, और ये भाई साहब थे ए, क्या थे ए ब्लड ग्रुप का बंदा आया, और पेशेंट किस ब्लड ग्रुप का है, इसकी क्या देखनी है और इनका, तो बताओ जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन कैसा है, ए एंटीजन दिया गया, बताओ एंटीजन ए एंटीबॉडी बी मैच, एक्सेप्ट की क्लंप, एक्सेप्ट नहीं आया ना, बी एंटीजन, अरे जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन, जैसा वैसा एंटीजन, अब एंटीजन बी एंटीबॉडी बी मैच नहीं किया, क्लंप हो गया, इसका मतलब मैच कर गया, इसका मतलब ये चढ़ाया नहीं जाएगा। अच्छा ए बी एंटीजन ए एंटीजन बी दोनों है, अगर एंटीजन ए होता अकेले तो काम चल जाए, लेकिन बी की वजह से ये चढ़ाया नहीं जा सकता। अब बताओ कौन, ओ एंटीजन है, चढ़ा दिया गया, एक्सेप्ट हो गया, तो इसका मतलब है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है उसके कितने डोनर, एक कौन ए एक कौन, तो डोनर कितने, दो, एक कौन ए
दूसरा तो नहीं आया, आया नहीं। तो रूल नंबर चारों रूल, जैसा ब्लड ग्रुप जैसा वैसा एंटीजन, वैसी अपोजिट एंटीबॉडी, डोनर का रेसिपिएंट की मैच ना करें। चलो इसमें आओ, हमने कहा ना उल्टा सोचोगे मरोगे, क्योंकि अब मुझे डिटेल में जाना पड़ेगा, तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। बोला था दो मिनट के लिए, नहीं सुनो, ये जो रेसिपिएंट होता है इसके पास ऑलरेडी एंटीबॉडी नहीं होती। शांत, तुम्हारा क्वेश्चन, दे हैव एबिलिटी टू फॉर्म एंटीबॉडी, एबिलिटी टू फॉर्म, और उसके बनाने के लिए एंटीजन घुसना पड़ेगा, एंटीजन घुसना पड़ेगा, याद रहेगा। इसका मतलब जो एंटीजन आ रहा है उसके पास भी एंटीबॉडी पहले से बनी है, नहीं है। इसका मतलब अगर ये ए एंटीजन लेकर के आ रहा है तो एंटीबॉडी क्या लेके आ रहा होगा, बी, पक्का। तो अब आप चाहते हो कि सर यहां पर एंटीजन, सॉरी कहां गया, यही क्वेश्चन है, ए एंटीजन है तो इसके पास एंटीबॉडी क्या है, बी, अगर बी एंटीबॉडी आ रही है तो ये एंटीबॉडी इसके एंटीजन को क्लंप कर देनी चाहिए, नहीं करेगी, बिकॉज ये ऑलरेडी सेंसिटाइज्ड नहीं है। इसलिए बोल रहा है सोचना बंद करो, नहीं इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि क्वेश्चन कभी नहीं कर पाओ, और ज्यादा पीएचडी करनी मेरे से बाहर मिलो, सारे क्वेश्चन बता रहे। फिर से सुनो, एवरी ऑर्गेनिज्म, फिर से बोलो, इफ इट हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, इसका मतलब एंटीबॉडी तभी बनेगी जब क्या आए, एंटीजन, और ये डोनर है, ये क्या है, और इस डोनर ने क्या दिया है, ब्लड ग्रुप ए, ए ब्लड ग्रुप दे रहा है, तो क्या बी एंटीबॉडी दे रहा है, नहीं, क्योंकि अभी तक इसे सेंसिटाइज, और जब तक सेंसिटाइज नहीं किया गया होगा एंटीबॉडी नहीं बनेगी, इसलिए पहले इसको सेंसिटाइज करो तब ये एंटीबॉडी बनाएगा, तब ये अगर एंटीबॉडी लेके आएगा तो क्लंप कर देगा, समझ गए। ऐसे चुपचाप बैठना, फिर से बोलो, किसका क्या देखना है, मैंने तुम्हें कहा है डोनर का केवल क्या देखो, एंटीजन, और इसने क्या गलती कर दी, एंटीबॉडी देख ली, रूल है। और कोई क्वेश्चन, यही तो कह रहे हैं बाबू, जो हम कह रहे हैं वही करो, वरना तुम्हें क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला, हमें लग रहा है फिर नहीं मिला। तुम क्या चाहते हो, इसमें क्या देखें, एंटीबॉडी देख रहे हैं, रेसिपिएंट और डोनर का एंटीबॉडी सेम हो तो चढ़ा देते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत, एंटीबॉडी देख सकते हैं। इधर आओ, समस्या क्या है, हम एंटीबॉडी बना ले रहे कि वायरस आ रहा है, वायरस जो आ रहा है वो समस्या है, मेरी एंटीबॉडी समस्या नहीं है, कि सर ये सेम एंटीबॉडी लेके आ रहा है और हमारी एंटीबॉडी सेम है तो हमको रख ले, अरे बेवकूफ, ये सोचना भी नहीं, हो सकता है ये एंटीबॉडी ही ना लेके आ रहा हो, हमेशा समस्या क्या है, एंटीजन, फुल फॉर्म क्या है, एंटीबॉडी जनरेटिंग पार्टिकल, और जिसने भी पढ़ाया जैसे भी पढ़ाया निरस्त कर दो, अभी के अभी नहीं मरोगे, बैठो। हम जानते हैं टीचर भाव में इसमें जाने क्या क्या पढ़ा जाते हैं, और वहीं तो अभी थोड़ी देर रुको, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस पूछेंगे, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस में पहला बच्चा क्यों नहीं मरता है पूछेंगे तुमसे, क्यों नहीं मरता, मां एंटीबॉडी बना नहीं सकती, बना सकती है लेकिन अभी बनी नहीं है, क्योंकि मां सेंसिटाइज, क्योंकि बच्चे का ब्लड मिक्स, तो पहली डिलीवरी में बच्चे का ब्लड मिक्स होगा, मां सेंसिटाइज हो जाएगी, एंटीबॉडी बन जाएगी, दूसरा बच्चा मरेगा। समझ रहे हो, इसीलिए पहला बच्चा नहीं मरता। कुछ लोग बोलते हैं सर एंटीबॉडी प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर सकती, मार पड़ेगी, आईजीजी क्रॉस द प्लेसेंटा,
इसलिए दूसरा बच्चा आईजीजी की वजह से मर जाता है। किसकी एंटीबॉडी? मां की। किसको मार दिया? बच्चे को। गड़बड़ क्वेश्चन तुमने डाल दिया, इसीलिए मैंने पहले हाथ जोड़ लिया था तुमसे भी और इनसे भी। मैं जानता था क्वेश्चन गड़बड़ होगा, ये बैच ही ऐसा खुड़पेच ही है, 10 टीचर से पढ़ गया है और उसको लगता है सुनील सर को आता है कि नहीं आता है। अभी का अभी तुम ध्यान सुनो, क्या देखेंगे कहां देखेंगे याद रखो, कसम खाओ कुछ नहीं देखते इसके अलावा। हाँ बोलो, चाहे कोई जिद कर दे, कोई कह दे तुम्हारे टीचर को कुछ नहीं आता, बोलो नहीं आता, क्वेश्चन सही हो जाता है और हम पहले सेलेक्ट हो जाए और एमबीबीएस में पढ़ लेंगे हमको जितना पढ़ना है, ठीक है। बताओ डोनर का, मम्मी कसम है अब हमको बहुत परेशान किया तुमने, डोनर का, रेसिपियन का एंटीबॉडी मैच नहीं करता। और अगर किसी ने बोला कि सेम एंटीबॉडी हो तो बढ़ चढ़ा देना चाहिए, बहुत मारेंगे, समझ रहे हो? इसका मतलब तुमने मेरी बात को नकार दिया। याद रखना, शान का भी यही क्वेश्चन था कि सर एंटीबॉडी है कि नहीं है। अभी एंटीबॉडी किसी के पास नहीं है, जब तक क्या ना हो सेंसिटाइजेशन, और सेंसिटाइज कौन करेगा? एंटीजन। कौन आएगा? एंटीजन। किसको किसको टच करेगा? प्लाज्मा को। और आईजी से कहेगा हम आ गए हैं, हमारा नाम एंटीबॉडी जनरेटिंग पार्टिकल, तुम्हारी औकात है, तुम एंटीबॉडी बनाओ। बोले हमारे पास एंटीबॉडी है तुम्हारी ऐसी की ऐसी। इसका मतलब हर बंदा एंटीबॉडी बनाए बैठा है, समझ रहे हो? तो हर बार जो डोनर ब्लड ग्रुप लेके आ रहा है, जरूरी नहीं कि वो एंटीबॉडी लेके आए, क्योंकि एंटीबॉडी दुनिया में एक प्रकार की लाखों लाखों, बोले सर पांच, पांच भी, जैसा एंटीजन वैसी एंटीबॉडी। फिर देखो परेशान हो गया, चार तुम्हारी वजह से करना पड़ा। चारों रूल पहले बोलो, जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीबॉडी, इससे हिलना नहीं है, मम्मी कसम है, डोनर का एंटीबॉडी नहीं देते, और रेसिपिएंट की एंटीबॉडी, एंटीजन नहीं दे, मैच नहीं। अब आओ चार पेशेंट, चारों पेशेंट फिर से लिखते हैं, पेशेंट ए, पेशेंट बी, पेशेंट ए बी और पेशेंट ओ। देखो बेटा मेरा टाइम बढ़ जाता है, मैं सोचा था जल्दी पढ़ा दूंगा लेकिन नहीं हो पा रहा। चलो, जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन, मुझे लिखना ही नहीं, मुझे क्या लिखनी है? एंटीबॉडी। बताओ एंटीबॉडी पक्का? अगर मैं एंटी लिखकर एंटीबॉडी ए, एंटी मिल है एंटीबॉडी ए बी और बी बी। अब चारों कंडीशन लिखेंगे, यस। अब डोनर लिखने जा रहा हूं, चार लोग कह रहे हैं हमसे खून ले लो, हमने कहा बताओ कौन कौन देगा? बोले ए वाला। बताओ अब इनका क्या देखोगे? ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी, एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट? ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन बी, एंटीबॉडी बी, एक्सेप्ट होगा? यस। ब्लड ग्रुप ए बी दोनों एंटीजन है, एक्सेप्ट नहीं होगा। ब्लड ग्रुप ओ एक्सेप्ट हो जाएगा, क्यों? यहां पर एंटीजन नहीं है, कोई भी एंटीबॉडी हो हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास एंटीजन ही नहीं है। यस और नो? यस। इतना मुश्किल नहीं है, अभी थोड़ी देर बाद चार्ट पढ़ोगे तुमको बहुत आसान लगेगा। बताओ डोनर ए और ओ, जैसा है वो और ओ, ये लो आओ इधर आओ। ए एंटीजन, एंटीबॉडी मैच कर गई, देना है कि नहीं? नहीं। बी एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए, एक्सेप्ट? यस और नो? बताओ ए बी एक्सेप्ट नहीं है, ओ एक्सेप्ट हो गया। तो डोनर्स बी और ओ, यहां चलो ए एंटीबॉडी
ए भी आएगा, बी भी आएगा, ए भी आएगा, खुला दरबार है, ओ भी आएगा, कोई कुत्ता घर में है ही नहीं, एंटीबॉडी नहीं है कि नहीं है, नहीं है। अब इधर आओ, यस, ए आएगा, एंटीबॉडी है, नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, ए बी नहीं आएगा, ओ आएगा। अच्छा, इसके डोनर ए बी, ए बी ओ, और इसका ओ, जो सब कुछ ले ले, ए बी है, एंड दैट्स व्हाई यूनिवर्सल रेसिपी। कुछ लोगों को जल्दी होगी निगेटिव बोलने की, पॉजिटिव बोलने की, बहुत है मारेंगे, शांत रहना, सब आता है, मैं मालूम है। अभी बहुत सारे लोगों को खुजली हो रही होगी, नहीं नहीं, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। अभी आरएच पॉजिटिव निगेटिव मैंने नहीं पढ़ाया, इसलिए जितना पढ़ाया उतना बोलो। ए बी सब कुछ रिसीव कर लेगा, यूनिवर्सल रेसिपी, और ओ सबको दे देगा। देखो, ए को भी, बी को भी, ए बी को भी, ओ को भी, तो व्हाट इज ओ? ओ इज यूनिवर्सल डोनर। और यहां से पता चलता है पांचवां रूल, चार तो पहले, पर पांचवां रूल, डोनर वो अच्छा जिसके पास कोई एंटीजन ना हो, इसीलिए ओ इज यूनिवर्सल डोनर। और रेसिपिएंट वो अच्छा जिसके पास कोई एंटीबॉडी ना हो, इसीलिए ए बी इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। नहीं आया? पांचों रूल बताओगे? बताओ, जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन, डोनर का, रेसिपिएंट की, मैच, डोनर वो अच्छा जिसके पास एंटीजन ना हो, और रेसिपिएंट वो अच्छा जिसके पास एंटीजन ना हो, इसलिए यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि उसके पास कोई एंटीजन नहीं है, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी, क्योंकि उसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं। अब चार्ट देखो, हवा में उड़ा दोगे, लाओ चार्ट दो बेटा, पेज नंबर 280, ब्लड ग्रुप एंटीजन, जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन, एंटीबॉडी ए की, बी डोनर ए और ओ, यस, दूसरा ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए, डोनर बी और ओ, बी और ओ, ये डोनर्स लिखे हुए हैं। आगे इधर आओ, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप यस, एंटीबॉडी ए और बी, सॉरी एंटीबॉडी नील, एंटीजन ए और बी, एंटीबॉडी नील, और बेटा डोनर्स ए बी, ए बी ओ, और नाउ ओ, ब्लड ग्रुप ओ, एंटीजन नील, एंटीबॉडी ए एंड बी, और डोनर केवल ओ। बताओ ओ को केवल कौन दे पाएगा? ओ, और ए बी किसी को देने की इच्छा नहीं रखता, सबसे रेसिपिएंट है। तो बताओ डोनर वो अच्छा जिसके पास एंटीजन ना, और इतना कहते ही ओ समझ में आता, ओ मतलब जीरो, जीरो एंटीजन वाला यूनिवर्सल डोनर, और रेसिपिएंट वो अच्छा। क्या आपको चौथा कॉलम समझ में आया? दैट इज नोन एज डोनर्स ग्रुप। बोलो कौन सा ग्रुप? डोनर्स। अब देखो, नोटबुक नहीं देखना, बुक नहीं देखना, अब देखना रूल हो पांचों, या चिल्लाऊंगा नहीं मैं, बताओ, ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी, डोनर ए, एंड ओ, थैंक यू वर्स, ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए, डोनर बी और ओ, ओके, ब्लड ग्रुप ए बी, एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीबॉडी नहीं, सा पक्का, और ओ, एंटीजन ए भी नहीं, एंटीजन बी भी नहीं, एंटीबॉडी दोनों
और इसीलिए डोनर खाली ओ ऑक्सीजन नेसेंट की मॉलिकुलर। भाइयों बहनों नाउ द आरएच ग्रुपिंग। अब आ रहा तुम्हारा क्वेश्चन, अब वही पूछेंगे आरएच ग्रुपिंग। इसके बारे में लैंड स्टीनर ने ही बताया, इसके अलावा एक साइंटिस्ट और थे वीजनर, उन्होंने भी इसके बारे में बताया। आरएच शब्द जो लिया गया वो रेसस मंकी से लिया गया, बंदर से। नहीं मत बोलो, मैं बोलूंगा तुम नहीं बोलोगे, फिर वो कंटाप मारेगा, हे राजा मैं हूं यार पापा, तुम थोड़ी ना। तो बोलते हैं कि आरएच ग्रुपिंग रेसस मंकी से डिसाइड की गई और ये पाया गया कि अपार्ट फ्रॉम ब्लड ग्रुप ए बी, अपार्ट फ्रॉम ब्लड ग्रुप ए बी या फिर अपार्ट फ्रॉम ग्लाइकोप्रोटीन फॉर एबीओ सिस्टम, एबीओ सिस्टम की ग्लाइकोप्रोटीन के अपार्ट आरबीसी हैव सम अदर एंटीजन ऑल्सो, सम अदर एंटीजन ऑल्सो, एंड दिस सम अदर एंटीजन इट इज ऑल्सो अ ग्लाइकोप्रोटीन लाइक, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन जैसे ही है। चूंकि ये ग्लाइकोप्रोटीन रेसस मंकी में थे इसलिए इनका नाम आरएच ग्रुप रखा गया। क्या नाम रखा गया? आरएच ग्रुप। और बोला गया कि अगर आरएच ग्रुप प्रेजेंट है, अगर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो हम इसे आरएच पॉजिटिव बोलेंगे। और बोला गया कि अगर आरएच एंटीजन अब्सेंट है, नहीं प्रेजेंट है, अब्सेंट है, तो हम इसे आरएच निगेटिव बोलेंगे। अगर 5 मिनट के लिए भी तुमने अपना ध्यान खोया तो तुम जिम्मेदार खुद होगे, मैं नहीं। उन्होंने बोला कि एबीओ सिस्टम के अलावा, एबीओ सिस्टम से हमारा कोई लेना देना नहीं, एबीओ सिस्टम के अलावा अगर कहीं एक और ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है, वही ग्लाइकोप्रोटीन जो किस मंकी में थी, तो हम इस ग्लाइकोप्रोटीन को आरएच ग्रुप बोलेंगे। बोलो क्या बोलेंगे? आरएच ग्रुप। और बोलते हैं अगर आरएच ग्रुप प्रेजेंट हुआ तो आरएच एंटीजन प्रेजेंट मानेंगे। कौन सा एंटीजन? और अगर आरएच एंटीजन प्रेजेंट माना गया तो हम इसे आरएच पॉजिटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आरएच पॉजिटिव। अगर आरएच पॉजिटिव आज के बाद से तुम्हें दिख जाए, पॉजिटिव का मतलब प्रेजेंट की अब्सेंट, इसका मतलब ग्लाइकोप्रोटीन, भाई हम मर जाएंगे, ग्लाइकोप्रोटीन अगर कोई पॉजिटिव है तो ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है, एंटीजन है, क्योंकि जैसी ग्लाइकोप्रोटीन वैसा एंटीजन, यस और नो? तो अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है तो हम मानेंगे ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है, एंटीजन प्रेजेंट है। तो इस दुनिया में जो भी आरएच पॉजिटिव है वो आरएच के लिए एंटीबॉडी रख सकता है कि नहीं? पता नहीं सर, पता नहीं सर, रख सकता है। रूल वही है, एंटीजन एंटीबॉडी मैच कर गए, क्लंपिंग हो जाएगी। अगर आरएच एंटीजन है और आपका प्लाज्मा इस आरएच के लिए एंटीबॉडी रख ले तो बताओ आरएच एंटीजन और एंटीबॉडी बचेंगे कि क्लैंप कर जाएंगे? क्लैंप कर जाएंगे।
तो बताओ जिसके पास आरएच एंटीजन है वो एंटीबॉडी रख सकता है कि नहीं? नहीं रख सकता, नहीं आया सर। कितने लोगों को नहीं आया? वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं खाली आरबीसी बना रहा हूं, एबीओ को मारो गोली, एक आरबीसी है, अचानक इस आरबीसी में मुझे एक्स्ट्रा ग्लाइकोप्रोटीन मिली, एक एक्स्ट्रा ग्लाइकोप्रोटीन मिली जिसका एबीओ सिस्टम से कोई लेना नहीं था। इस ग्लाइकोप्रोटीन को लैंड स्टीनर ने बोला कि ये ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएगी आरएच। बोलो क्या? आरएच। व्हाई आरएच? और बोले अगर ये ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे आरएच पॉजिटिव। फिर से बोलो, मेक सम अदर आरबीसी आल्सो। इफ इन दिस आरबीसी देयर इज नो आरएच, देयर इज वो जगह खाली है जहां पर आरएच रहता है, वो जगह भरी है कि खाली है? खाली। तो हम बोलेंगे आरएच प्रेजेंट की एब्सेंट, यहां पर आरएच और यहां पर आरएच एब्सेंट। जिस जगह आरएच रहता है वो जगह भरी है कि खाली? खाली। तो इसे क्या नाम दिया? आरएच निगेटिव। बोलो, तो बताओ अब आरबीसी में आरएच प्रेजेंट है तो आरएच एब्सेंट है तो आरएच निगेटिव नहीं आया। और अगर आरएच प्रेजेंट है तो ग्लाइकोप्रोटीन पता नहीं, और ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है तो एंटीजन प्रेजेंट है कि एब्सेंट? प्रेजेंट है। कौन सा एंटीजन? आरएच, क्योंकि हर ब्लड ग्रुप क्या होता है? एंटीजन। शुरुआत से पढ़ा रहा हूं, एवरी ब्लड ग्रुप इज जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीबॉडी, वह उसकी अपोजिट एंटीबॉडी। पहला रूल भूल गए। अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है इसका मतलब ये आरएच पॉजिटिव है, इसका मतलब आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, इसका मतलब आरएच के लिए एंटीबॉडी रखें कि एब्सेंट है? एब्सेंट। आरएच के लिए एंटीबॉडी एब्सेंट कर दो, क्योंकि आरएच के लिए एंटीबॉडी प्रेजेंट की। तो बताओ एंटीजन और एंटीबॉडी मैच कर जाएंगे, यस और नो? तो जितने पॉजिटिव लोग हैं, जितने भी ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, फिर से बोलो, ओ बी ए ए बी, ये जितने पॉजिटिव लोग हैं, मुझे नहीं मालूम किस किस एंटीबॉडी को रखेंगे कि नहीं रखेंगे, लेकिन वो आरएच की एंटीबॉडी को नहीं रखेंगे। नहीं आया ना? जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीबॉडी, और वैसी एंटीबॉडी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो भी आरएच पॉजिटिव है वो आरएच के लिए एंटीबॉडी नहीं रख सकता, अगर रखा तो लंप हो जाएगा। yes. अब बताओ यहां पर आरएच प्रेजेंट की एब्सेंट, तो पॉजिटिव की निगेटिव, इसका मतलब एंटीजन प्रेजेंट की एब्सेंट? एब्सेंट। अगर एंटीजन एब्सेंट है तो एंटीबॉडी प्रेजेंट। किसके लिए एंटीबॉडी? आरएच के लिए एंटीबॉडी प्रेजेंट। अगर वाकई धैर्य है, वाकई धैर्य है तो मेरी मदद करना, मदद करोगे? इस फैक्टर की बेसिस पर इसको मैंने बाय कहा, अब देखते हैं कितने लोग मेरे साथ हैं। ये क्या कर रहे हो सर? अच्छा चल, ए बोलो, दिस इज ए, बोलो ए। थैंक यू वेरी मच। दूसरी आरबीसी, दूसरी आरबीसी, इसका नाम है बी। बोलो क्या नाम? बी। पेशेंट का नाम? बी। पेशेंट का नाम? बी। अरे पेशेंट बना रहा हूं मैं, अभी तक चार पेशेंट बनाए थे, अब आठ बना रहा हूं। हम भाई साहब बोले थे इसीलिए धैर्य होना चाहिए, पहले सब बना दे रहे हैं। चलो ये बना दे, ये एक पेशेंट है। हे राजा,
इसका ब्लड ग्रुप ए, ये दूसरा पेशेंट है इसका ब्लड ग्रुप बी, ये तीसरा ब्लड पेशेंट है इसका ब्लड ग्रुप ए बी, और ये चौथा पेशेंट है इसका ब्लड ग्रुप ओ। मैं आरबीसी बना के तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं, इस वजह से मैं केवल एक काम कर रहा हूं। देखो चारों लोगों की चार आरबीसी, एक दो तीन चार। अब चलो एंटीबॉडी ढूंढो, सॉरी एंटीजन ढूंढो, सब लोग एंटीजन ढूंढेंगे। ओके एवरीवन, यस बोलो एंटीजन ए, पक्का एंटीजन बी, ओके यहां पर ए बी आर बी बी, यस और नो, और इसमें सर ये क्या बना रहे हो, ये ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन ए बी, और यहां पर बड़ा मदद कर दिया, धन्यवाद। अब देखो फिर से अगेन, पेशेंट ए, पेशेंट बी, पेशेंट ए बी, पेशेंट ओ। चलो फिर से आरबीसी कितनी, चार, एक दो, वेरी गुड, तीन, वेरी गुड, वाह मेरे बच्चे आज का दिन बन गया मेरा। हाँ चलो ये वाला ए है, ये बी, बी है, अच्छा बोलो ए और बी, तुमको हम ही जैसा पागल आदमी पढ़ा सकता था इसमें, पक्का पहले तुमसे लिखवा ले क्योंकि तुम किसी भी समय भटक जाओगे। शान बाबू बात मत करो, नहीं बहुत मारेंगे, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा मारेंगे। अब मैं इनकी एंटीबॉडी लिखने जा रहा हूं, एंटीजन ए, एंटीबॉडी, तो जो मैं लिख रहा हूं वो क्या है, एंटीबॉडी ए, ए बी बी बी, पक्का क्या मदद किया भाई। तो ये जो मैंने वाइट से लिखी है ये क्या है, वाइट से लिखी है एंटीबॉडी, बोलो बी ए, ए और बी। अभी किसी को इसमें डाउट हो हाथ उठा दो, किसी को भी डाउट हो हाथ उठा दो। चलो अब मैं करता हूं बदतमीजी, ए के साथ आर एच प्रेजेंट, बी के साथ आर एच प्रेजेंट, ए बी के साथ आर एच प्रेजेंट, और केवल आर एच प्रेजेंट, नाम बताओ, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, नहीं है। अब बेटा एंटीबॉडी बताओ, यस एंटीजन है आरएच का, आरएच का एंटीजन है, एंटीबॉडी नहीं, एंटीबॉडी नहीं, एंटीबॉडी नहीं, एंटीबॉडी नहीं। ओके नाउ अब यहां पर आरएच फैक्टर प्रेजेंट की ऑप्शन ऑप्शन, तो बताओ ए, पता नहीं पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, अब मरे तो मैं नहीं, हाँ बोलो एंटीबॉडी बी एन एंटी आर एच, एंटी आर एच, एंटी आर एच, एंटी आर एच है और एंटी आर एच मरे तुम, यस और नो, बताओ ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, अब देखें कितने लोग बता पाएंगे, ए पॉजिटिव एंटीजन, ए एन आर एच दोनों है, एंटीबॉडी बी आर एच की एंटीबॉडी, ब्लड ग्रुप निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव क्योंकि आर एच फैक्टर, तो बताओ एंटीजन ए है, आर एच एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी बी है, आर एच की एंटीबॉडी है, नहीं है। हर निगेटिव बंदा क्या रखेगा, एंटीबॉडी। और आप बताओ डोनर कौन अच्छा, जिसके पास कोई एंटीजन ना हो।
और रेसिपिएंट कौन है? कोई एंटीबॉडी ना हो. अब ढूंढो जिसके पास कोई एंटीजन नहीं है, जिसके पास कोई एंटीजन नहीं है, कहीं पर भी कोई एंटीजन नहीं है. इसका नाम ओ निगेटिव यूनिवर्सल डोनर. इसके पहले ओ बताया था सर ने, पर ओ होगा कि ओ निगेटिव? ओ निगेटिव, क्योंकि ओ एक प्रकार के कि दो प्रकार के? एक कौन? ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव. बताओ ओ पॉजिटिव के पास, सॉरी, अच्छा ओ पॉजिटिव के पास आरएच एंटीजन है. क्या है? आरएच एंटीजन है. यस सर. और हमको डोनर कैसा अच्छा चाहिए जिसके पास कोई एंटीजन. तो विच वन इज बेटर, ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव? ओ निगेटिव. नाउ ए बी कितने प्रकार के? दो. ए बी निगेटिव के पास एक एंटीबॉडी है, कौन सी? आरएच है. और बताओ ए बी निगेटिव के पास ना ए है ना बी है ना आर एच, इसीलिए यूनिवर्सल रेसिपी. तीन दिन तक बुखार आएगा अगर किसी ने भी ऐसे याद करने की कोशिश की. ऐसे ये मेरा दिखाने का तरीका है. अब बायोलॉजी की खूबसूरती देखो, जो जिस नाम का है वो अपने बारे में बता रहा है. जिन्होंने डायग्राम जो फोटो खींची है वो बेकार है, बेकार यूजलेस. देखो मेरे बच्चे, अब देखो तुम ब्लड ग्रुप बोलो. ए बी निगेटिव, एंटीजन ए है, बी है, आर एच नहीं है. अपोजिट, एंटीबॉडी ए के लिए, बी के लिए, आर एच फैक्टर नहीं है, तो आर एच की एंटीबॉडी होगी. तुम एक नाम लो, मैं तो सब कुछ बताता हूं. सर मुझे बताओ ओ, नहीं सर मुझे बताओ सर बी निगेटिव, एंटीजन बी है, आर एच का फैक्टर नहीं है, इसलिए एंटीबॉडी ए है और आर एच की भी एंटीबॉडी है. नहीं यार, हर निगेटिव बंदा, हर आर एच की एंटीबॉडी रखेगा और हर पॉजिटिव बंदा आर एच की एंटीबॉडी नहीं रखेगा. रूल नंबर वन वही है, जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन, अपोजिट एंटीबॉडी. नहीं आया? तुम सपने में उठ करके मुझसे पूछो, सर ये बताओ सर ए पॉजिटिव का क्या होगा? अरे गधे, पॉजिटिव मतलब आर एच है, एंटीजन ए है, एंटीजन ए है, आर एच एंटीजन है, इसलिए ए एंटीबॉडी नहीं, बी एंटीबॉडी है और आर एच की एंटीबॉडी नहीं है. कितने लोगों को नहीं आ रहा? वाह मेरे पट्टे, अकेले तुम, अकेले हम, तुम भी. हाँ बताओ क्या नहीं आ रहा? आर एच फैक्टर में? अबे आइटम, अगर आर एच फैक्टर प्रेजेंट है, अरे पहले एंटीजन देख. अगर आर एच फैक्टर है इसका मतलब आर एच पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? एंटीजन. तो जो बंदा आर एच का एंटीजन लिए भेद ले चटहल रहा किसमें? आरबीसी, वो प्लाज्मा में एंटीबॉडी आरएच की ले सकता है कि नहीं? नहीं. अगर वो प्लाज्मा में एंटीबॉडी आरएच की ले गया तो बताओ उसकी आरबीसी क्लंप हो जाएगी. इतनी सी बात. हाँ, ब्लड ग्रुप कैसे सर्च करें? क्यों नहीं चढ़ा सकते? रूल नंबर दो, डोनर का एंटीबॉडी नहीं देखेंगे. तुम किसका, किसकी एंटीबॉडी देख रहे हो? डोनर की. वही गलती है. हम हाथ जोड़ रहे भैया और कौ दंडवत हो जाए. अगर डोनर की एंटीबॉडी कहना है तो तुम हमको पत्थर मार दो.
अगर क्वेश्चन सही करने हैं तो मेरे पांच रूल बोलो। देखो अब तुम कहते हो ना सुनील सर इतना रिपीटेटिव क्यों, इन बेवकूफों की वजह से। गौर से देखो, पहला रूल, जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन, अपोजिट एंटीबॉडी। इसको पकड़ के बैठेंगे छोड़ेंगे नहीं। डोनर का देखेंगे एंटीबॉडी, रेसिपिएंट की एंटीबॉडी देखेंगे एंटीजन नहीं देखेंगे, और देखेंगे कि ये मैच। पांचवा रूल याद है, डोनर वो अच्छा जिसके पास कोई एंटीजन ना हो, रेसिपिएंट वो अच्छा जिसके पास कोई एंटीबॉडी ना हो। अगर एंटीजन है तो एंटीबॉडी नहीं हो, इसलिए ए बी पॉजिटिव तीनों एंटीजन रखता। कितने? ए बी पॉजिटिव, ए एंटीजन, बी एंटीजन, आर एच एंटीजन, तीनों रखता है। इसलिए तीनों एंटीबॉडी नहीं रखा। इसका मतलब ये दुनिया का सबसे अच्छा रेसिपिएंट है, क्योंकि रेसिपिएंट वो अच्छा जिसके पास पक्का, और डोनर वो अच्छा। ओ मतलब जीरो चिल्ला रहा है, ओ मतलब जीरो, ना तो ए ना तो बी, मतलब ओ, और उसके बाद निगेटिव मतलब आर एच बी नहीं। तो ना तो ए है ना तो बी है ना तो आर एच है, इसका मतलब ये डोनर सबसे बड़ा। और कुछ आ गया भाई साहब आपको यही वाला? अबे आइटम बाइट। अब सुनो, अरे सुनो, आर एच इनकम्पैटिबिलिटी। देखो टॉपिक बिना पूरा किए मैं जाने नहीं दूंगा, दो मिनट लगेंगे बस। आर एच इनकम्पैटिबिलिटी यार, सौरभ तुम यार कब से ऐसे हो? मम्मा है आर एच पॉजिटिव, नहीं मम्मा, ये मम्मा का फॉर्म है, मम्मा है आर एच निगेटिव। मुझे नहीं मालूम कि ए निगेटिव है कि बी निगेटिव है कि ए बी निगेटिव है कि ओ निगेटिव है, कुछ भी हो ए बी ओ सिस्टम में, ए बी ओ सिस्टम में ये ए हो बी हो ए बी हो ओ हो, अगर ये क्या हो निगेटिव, मतलब ए निगेटिव बी निगेटिव ए बी निगेटिव ओ निगेटिव, और अगर इनका बेबी, अगर इन तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब आ रहा है, और अगर इनका बेबी आर एच पॉजिटिव है, क्या है आर एच पॉजिटिव, हमें नहीं मालूम ये ए पॉजिटिव है या बी पॉजिटिव है या ए बी पॉजिटिव है या ओ पॉजिटिव है, तुम ए बी ओ में कुछ भी हो बस क्या ना हो, तो बोले मम्मा ये है मदर और फीटस ये है बच्चा, बच्चा आर एच पॉजिटिव मम्मा आर एच निगेटिव, दोनों के बीच में प्लेसेंटा, बोलो प्लेसेंटा से एंटीबॉडी क्रॉस कर जाती है, इसको कोई भी कहेगा नहीं, यस क्रॉस कर जाती है, बिल्कुल क्रॉस कर जाती है, प्लेसेंटा से एंटीबॉडी क्रॉस कर जाती है, प्लेसेंटा से, तीन बार बोलो प्लेसेंटा से। अब सुनो, मम्मा आर एच है, मम्मा आर एच, इसका मतलब मम्मा आर एच निगेटिव है, मतलब एंटीजन है, एंटीजन प्रेजेंट या एब्सेंट, और अगर एंटीजन एब्सेंट है तो एंटीबॉडी प्रेजेंट है। आज इस क्वेश्चन को पूछना जाके जिनसे भी पढ़ा था, यानी मम्मा के पास एंटीबॉडी प्रेजेंट है नहीं, मम्मा के पास एंटीबॉडी बनाने की क्षमता प्रेजेंट है, समझे? लेकिन एंटीबॉडी अभी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चा के पास आर एच पॉजिटिव एंटीजन है, एंटीजन है, एंटीजन कौन सा है? आर एच। लेकिन मम्मा को पता नहीं चल पा रहा है, क्यों? क्योंकि बच्चे का ब्लड मम्मा के साथ मिक्स, क्योंकि प्लेसेंटा ने बैरियर बनाया, क्या बनाया? बैरियर। एंटीबॉडी क्रॉस हो सकती है, एंटीजन क्रॉस नहीं होता। तो मां अपने बच्चे को लेकर के बैठी हुई है, बच्चा आर एच पॉजिटिव है,
इसका मतलब बच्चे के पास आरएच एंटीजन है और माँ के पास आरएच की एंटीबॉडी है, इस हिसाब से माँ एंटीबॉडी भेज करके बच्चे को मार देना चाहिए, लेकिन नहीं भेज रही है। क्यों? क्योंकि आरएच एंटी बनाने की क्षमता है बनी नहीं है, और प्राइमरी रिस्पॉन्स हमेशा वीक होते हैं, याद आया? और सेकेंडरी रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होता है, और अगर थोड़ा बहुत एंटीजन बन भी जाए, अगर मिल भी जाए, तब भी एंटीबॉडी बनना बहुत फास्ट नहीं हो, पता ही नहीं चल पा रहा, बच्चा मजे कर रहा, वाओ मैं आरएच पॉजिटिव मम्मा, आरएच नेगेटिव मम्मा को पता ही नहीं चलता, अचानक 9 महीने पूरे, अचानक नहीं, 9 महीने में 9 महीने पूरे, जब 9 महीने पूरे हुए प्लेसेंटा हुआ रप्चर, प्लेसेंटा रप्चर, ये पहला टाइम था जब बच्चे का ब्लड मम्मा के ब्लड से मिक्स हुआ, मम्मा भड़बड़ाई, मम्मा भड़बड़ाई, हे भगवान मैं किसको पाल रही थी, दुश्मन को, कौन दुश्मन, आरएच, तब तक मम्मा सेंसिटाइज हुई और क्या बनाने लगी, एंटीबॉडी, तब तक बच्चा तिली तिली, यस व्हेन यू हैव कैपेबिलिटी, लेकिन तुम्हारे पास एंटीबॉडी, अब जब मैं बाहर निकल रहा हूं तब तुम्हारा और हमारा ब्लड मिक्स हो रहा है और उस समय पर तुमने एंटीबॉडी बनाना चालू किया, ये प्रोसेस है आधे एक घंटे का, 2 घंटे में मैं बाहर, और तुमको लगेंगे 5-6 दिन एंटीबॉडी बनाने में, तब तक मैं बाहर, अब तुम चिल्लाओ हे भगवान आरएच पॉजिटिव रह के चला गया, मैं एंटीबॉडी बना सकती थी और फिर भी वो रह के चला गया, यस, क्यों? आपके क्वेश्चन का जवाब, इसका मतलब इनके पास एंटीबॉडी थी, क्षमता थी। अब ये पहला बच्चा निकल गया, पहला बच्चा गया, हम तो भैया निकल लिए, पर मम्मा तब तक हो गई सेंसिटाइज और बोला अब आओ बेटा। अब अगर दूसरा बच्चा आरएच पॉजिटिव हुआ, कैसा, तो मम्मा के पास एंटी बनाने की क्षमता है कि है, और एंटीबॉडी प्लेसेंटा क्रॉस कर जाए, बताओ बच्चा बचेगा कि मरेगा? इट इज नोन एज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ब्लास्टोसिस फिटालिस, इसको बोलते हैं बच्चे की आरबीसी, इरिथ्रोब्लास्ट, फीटस की, बच्ची की मरने लगी, क्योंकि कौन जाने लगा एंटीबॉडी कहां से, मां से, कहां पर, बच्चे, इनको भी रोका जा सकता है, आजकल रोक लेते हैं, अगर हम इंजेक्शन लगाए, क्या लगाए, इंजेक्शन लगाए एंटी आरएच एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के अगेंस्ट इंजेक्शन लगाए, इसका मतलब मम्मी की जो एंटीबॉडी है उनको बनने दें, लेकिन उनको बनने बन रही तो उनके अगेंस्ट एक इंजेक्शन लगाए। और सुनो, ये बच्चा ऐसे हुआ क्यों, इसका कारण है दो, माँ आरएच निगेटिव है, दिस इज मदर, माँ अगर आरएच निगेटिव है और फादर अगर आरएच पॉजिटिव है तो बच्चे के आरएच पॉजिटिव होने के चांसेस हैं, इसलिए कुंडली मिलाने से ज्यादा ब्लड कुंडली मिलाएं। जब शादी करें तो पूछे भैया अपनी ब्लड रिपोर्ट भेजो, अगर मैं निगेटिव हूं तो तुम निगेटिव हो सकोगे तो ठीक है, पॉजिटिव नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा बच्चा क्या होगा, पॉजिटिव, पहला तो, दूसरा, तो अगर हमारी ब्लड कुंडली ठीक ठाक मैच नहीं कर रही तो हम शादी करेंगे तो बच्चा एक करेंगे, नहीं आया, आया कुछ बोले नहीं सर, हम कई करेंगे लेकिन इंजेक्शन लगा के करेंगे, जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट दिस, इस वजह से पूरे काकादेव के टीचर बर्बाद हो रहे हैं। आपको मस्करी चीजों में बड़ा मजा आता है, आइंदा करना नहीं, जस्ट बिकॉज यू हैव टू नो दिस, जिस वजह से मैंने ऐसे पढ़ाया है, अगर पहला बच्चा हुआ तो निकल जाएगा, यस, और याद रखना प्रेगनेंसी के दौरान भी माइनर मिक्सिंग हो सकती है, तो कई बार पहले बच्चे को भी आफत हो जाती है, हाँ माइनर मिक्सिंग ऑफ ब्लड शुरुआत में हो सकती है,
कई बार लो लाइन पे प्लेसेंटा होते हैं, इस वजह से हम इंजेक्शन पहले बच्चे से ही देना चालू कर देते हैं। अगर मदर कैसी हुई तो अगर मम्मी सुनो मेल और फीमेल की सुनो, फीमेल आरएच पॉजिटिव पापा आरएच पॉजिटिव चलेगा, फीमेल आरएच पॉजिटिव मम्मा सॉरी पापा आरएच निगेटिव ये भी चलेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा मम्मा ने पालना है पापा ने नहीं। ये शादी ठीक है, दोनों आरएच पॉजिटिव शादी हो जाएगी। ओके एक क्वेश्चन की वजह से पांच मिनट की वजह से हटाया नहीं तो छोड़ देते। दोनों आरएच पॉजिटिव शादी ठीक है कंपेटेबल है, मम्मा आरएच पॉजिटिव पापा आरएच निगेटिव तब भी शादी कंपेटेबल है। क्यों? क्योंकि मम्मा और पापा से बच्चा किसको आएगा? अगर मान लो बच्चा आरएच निगेटिव भी आया तो फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एंटीजन कौन एंटीबॉडी किसकी रेसिपिएंट की यस और नो, और रेसिपिएंट पे कौन है बच्चा और डोनर एंड पे कौन है मम्मा, तो ये भी शादी कंपेटिबल है। दोनों निगेटिव हो तब भी कंपेटिबल है, चार शादियों में एक ही शादी इनकम्पेटिबल है मम्मा पापा ये चलेगा दोनों पॉजिटिव चलेगा, दोनों निगेटिव चलेगा, मम्मा पॉजिटिव पापा निगेटिव चलेगा, लेकिन मम्मा निगेटिव पापा पॉजिटिव चलेगा कि नहीं चलेगा? तो चार शादियों में एक ऐसी शादी है जो कंपेटिबल इनकम, क्योंकि इससे बच्चा मर सकता है। बीमारी का नाम इरेथ्रोब्लास्टोसिस। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।